तो बड़े बुजुर्ग जो है जो मेरे मम्मी अब्बू के या माता पिता के सामान है वो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, और जो बच्चे हैं उनको भी दूर हटा दीजिए, या फिर आप लोग बाद में वीडियो देखिए अगर आप लोग को देखना है। ये वीडियो में मुझे डॉलर आज मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें काली गलौच रहेगी, बट मुझे ये वीडियो बनाना है उस धंधे वाली और उस रंडी के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो जो धंधे वाली है ना मलार की और रंडी, वो हमारी सबकी वीडियो देखती है। तो सुन धंधे वाली, और मैं हाथ जोड़ के सबसे जो है ना मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो जो लोग मेरे गाली सुन रहे हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, आप सबसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि क्या है ना हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, ठीक है। सोशल मीडिया किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप का नहीं है, वो बोलते हैं कि मुझे सोशल मीडिया से हटाने के लिए सब करा जा रहा है। तो सुन मैं धंधे वाली, सोशल मीडिया हमारे बाप का नहीं है, तो अपना दुकान चला रही, हम अपना दुकान चला रहे, तुम नंगापंती करके दुकान चला रहे, हम दुपट्टे ओढ़ के दुकान चला रहे, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सोशल मीडिया में रहे या जहन्नुम में रहे, लेकिन सोशल मीडिया में अगर रह रही है ना, तो ये तमाशा खाना नहीं है जिसको तूने कचरा पट्टी जो है ना तमाशा खाना बना के रख दे। तू तो है धंधे वाली, तू धंधे वाली है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो रोडों पे तमाशा दिखाते, करतब दिखाते, वो करतब से उनका पेट पलता है, तू उन करतब वालों में से है जो तूने अपनी ज़िंदगी का तमाशा बना दिया है, पूरी ज़िंदगी तूने तमाशा करके ही गुजारा है। रंडी मादर चोत, तेरे को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि तेरे धंधे वाली जो हरकतें हैं ना रंडीगिरी की वजह से, तेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, तेरे जो दोनों पिल्ले, वो मोगले के साथ तो सही हो रहा है, मैं तो बोलूँगी अली के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन अली पिस रहा है। बोलते ना गेहूं के साथ गुड़ भी पिसा जाता है, तो अली पिस रहा है क्योंकि वो तुझ जैसी धंधे वाली की औरत की जो है ना वो बेटा है, तेरे कोख से निकली, तूने तो अपने शौक के लिए बस मर्दों को जो है ना काबू में करने के लिए, उनको चूसने के लिए जो है ना तूने बच्चा पैदा किया। तो मैं क्या बोलूँ, दुनिया की सबसे घटिया कोई माँ हो सकती है ना। हिंदू में कहावत है कि पूत कुपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होता हो सकता। तूने तो उस कहावत को जो है ना वो गलत साबित करके दिखाया। पूत जो है ना वो सपूत हो सकता है जैसे तेरा अली, ठीक है, लेकिन माता भी कुमाता हो सकती है जैसे कि तू रंडी। सॉरी मेरा मोबाइल गिर गया। कि भाई हम माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चे के ऊपर कोई अगर मुसीबत आती है तो हम जो होते हैं ना एकदम बौखला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं, हमारा कोशिश यही रहता है खाना पानी नींद सब छोड़ के हमारी पहली कोशिश ये रहते है कि हमारे बच्चों को उस तकलीफ से निकाले। ये धंधे वाली, उसको लगता है सोशल मीडिया में ये तमाशा करने से उसको सपोर्ट मिलेगा, लौरे का सपोर्ट मिलेगा। भैंसचोद मैं तो तेरे को बोलती हूँ लौरे का सपोर्ट मिलेगा, तू और तेरा वो दल्ला बेटा। बोलती है कि मेरे बेटे को बोला गया है, मेरे बच्चों को बोला गया है पहले ऐसा ऐसा। अरे तू तू रंडी और तूने पैदा किया भी दल्ला ही है, ठीक है। अली को कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अमीन को हर कोई बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो भरवा दल्ला है। और रहा सवाल ना क्या बोलते हैं कि क्या बोल रही थी वो, हाँ सवाल, तेरी तबीयत खराब था। अब मादर चो तो मुझे ये बता, कौन से हॉस्पिटल में कुकर की सीटी बचती है? अगर कोई हॉस्पिटल में कुकर मतलब कोई चेकअप करवाना चाहता है, कौन से हॉस्पिटल से कुकर की सीटी बचती है? कौन से हॉस्पिटल में बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है? अरे तू बोल रही थी हॉस्पिटल में, तू आया हॉस्पिटल का दरवाजा तक तूने नहीं दिखाया, रिसेप्शन काउंटर तक नहीं दिखाया। तू अगर इतनी सही है भगोरी, पहले तो हिंदूपुर से भाग के आई तू, अगर इतनी सही है भगोरी, कभी महाराष्ट्र में, कभी सूरत में, कभी दमन में, बार बार दर बदर भटकती क्यों है तू? दर बदर भटकती क्यों है तू भगोरी? फोन क्यों तूने स्विच ऑफ करके रखा? तुझे क्या लगता है तू व्लॉग में आके झूठ पे झूठ बोलेगी और पब्लिक चूतिया बैठी के मान लेंगे? जो पब्लिक को भी गुहार लगा रही है ना, सपोर्ट साइरस सत्तानी फेक केसेस वन, जो तूने और तेरा वो दल्ला है ना, दल्ले ने पेज बनाया है, तुझे लग रहा है ये सब तमाशा करके तेरे को सपोर्ट मिलेगा? घंटा सपोर्ट मिलेगा जो तेरी कैटेगरी के कुछ गिने चुने होंगे ना, जो कुछ लड़कियां औरतें होंगे जो हर जगह पे अपना कपड़ा ऐसे यूं उठा के दे देती है, वही तेरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस अगर जो शरीफ इज्जतदार घर के लोग हैं ना, वो तेरे को सपोर्ट करने नहीं आएंगे। और ये फेक जो है ना कमेंट्स तू लगा रही है, ये मत लगा, और लगाना ही है ना तो दोनों लगा, जो भर भर के तेरे को गाली भी आ रही है ना वो कमेंट्स भी लगा। तो मानो ये सब तमाशा जो है ना करके तेरे को कुछ नहीं हासिल होने वाला, तो झाट भी नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि क्या है ना तू हमेशा क्या बोलती है कि पुलिस सच्चाई का साथ देता है, तो तू तो झूठी है, हर जगह झूठ बोलती है, कभी मुंबई भागती है, कभी सूरत भागती, सूरत के लोग तक देखे तेरे को और हमको डीएम करके बोलते, कभी दमन भागती है, मुंबई के लोग तेरे को, मुंबई के आसपास के लोग जहाँ पे तूने फर्स्ट टाइम तू रही थी ना अपने घर से निकलने के बाद, वहाँ के आसपास के लोग हमको देख के बोलते हैं कि तू कहाँ रहती थी, तू कहाँ नहीं रहती थी, कहाँ के छुपे बैठी थी। इतनी अगर तू सही होती तो भाई तू भागी क्यों? खुद से जाके सरेंडर करती ना पुलिस स्टेशन में अपने बेटों को ले लेके जाके,
मैं सच्ची हूँ ना, तो मेरे को कर नहीं तो डर नहीं, मैं जाके सर सीधा अपने बेटों को लेके जाके खड़ा हो जाऊंगी कि सर हम आप क्या ढूंढेंगे मेरे को, मैं खुद आई चल के आपके पास, बोले क्या बोलना है। लेकिन तू भगोरी हिंदूपुर से भी भाग के आई, क्योंकि तेरे को वहां से भी लात मार के निकाला गया था, वहां पे भी तेरे माँ के नाम पे केसेस है, और तू यहां से भी भागी क्योंकि तुझे पता है कि तुम लोगों ने गलत किया। क्या सच्चाई है, बेटा क्या साथ देगा, बेटा क्या साथ देगा, माँ की सुरक्षा क्या करेगा, ये सोशल मीडिया में आके दूसरों के बारे में गंद बोलना, गलत बोलना, बकवास बोलना, ये सपोर्ट होता है। अगर तेरा बेटा सही होता ना तो तेरे को क्या बोलते पता है, बंद करो ये सब। जैसे हमारे पति बोलते हैं, हमारे पति के सामने तो हम YouTube की बातें भी दोस्तों के साथ नहीं कर पाते, बोले ये सब गंदगी से दूर रहो, बंद करो, हमारे बच्चों के ऊपर वो गलत इफेक्ट आएगा। अगर तेरा बेटा सही होता ना तो बोलता कि अम्मी ये सब मत करो, ये सब बंद करो। लेकिन तेरा बेटा तो दल्ला है, माँ का भार खाने की आदत है, तो माँ का भार अब तक घर पे खाया और अभी जो है ना सोशल मीडिया में पहुंच गया माँ का भार खाने, माँ की सुरक्षा के नाम पे। तेरे बेटे का सेल्फ रेस्पेक्ट 3 साल बाद जागा, 3 साल तक तो तेरी भार जो है वो खा ही रहा था, बचपन से इनफेक्ट तेरी भार खा रहा था, 3 साल बाद तेरे बेटे का सेल्फ रेस्पेक्ट जागा भार के नाम, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे था उसको भार खाना, तो सोशल मीडिया में आके रन्नी मादर चो, तेरे को तो इतनी भी शर्म नहीं है कि इतना सब कुछ हो रहा है तेरी जिंदगी में, सब मिलके तेरे को कूट रहे चारों तरफ से, कहाँ तो अपने बच्चों को बचाएगी, दर बदर भटक रही है, तमाशा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गई, ये अरे तेरे को तो यमराज भी ना लेके जाए, तू जैसे चुड़ैल डायन औरत को ना, यमराज भी तेरे से 7 कदम दूर रहे, तेरे को तो जहन्नुम के आग में जलाया जाएगा ऐसे पकड़ के डुबो के। अब तेरे कुत्ते कुछ आ जाएंगे बोल भोंकने को, आप तुम लोग आ भी गए ना तो मैं तुम लोग को हाइड कर दूंगा अपने चैनल से, व्यूज तुम लोग को मिलेगा लेकिन कमेंट नहीं मिलेगा, कि तुम क्या हम मरेंगे, लेकिन हम इस रंडी की तरह रंडीबाजी नहीं करते। हमारे बेटा या बेटी अगर उनकी तबीयत खराब होती है ना तो हम 2-3 दिन वीडियो नहीं डालते जब तक हमारा बच्चा सही नहीं हो जाता। ये होता है एक माँ का फर्ज कि पहली प्रायोरिटी हम पति को भी नहीं रखते। हर इंडियन फैमिली में देख लो, हर इंडियन फैमिली में औरतों का फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चा होने का, उसके बच्चा होता है उसके बाद पति होता है उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है, हम खुद को तो गिनते भी नहीं है। और ये तो खुद की डॉलर कमाने के चक्कर में तो हमको बोलती है ना कि भाई हम डॉलर कमाते हैं, तो सुन मे रंडी, हम तेरी तरह धंधे वाली तमाशा खो नहीं है, हम डॉलर कमाते जरूर है लेकिन इज्जत में बैठ के कमाते, इज्जत को ओर के बैठ के कमाते, तेरी तरह नंगा नाच नहीं नाचते हम। और दूसरी बात, हम डॉलर कमाते हैं, हम बिल्कुल डॉलर कमाते हैं, लेकिन जहाँ पे हमको जो करने की ज़रूरत होती है ना हम वो करते, उसके बाद डॉलर कमाते हैं। अगर पति बीमार रहा तो उस टाइम हम पति की सेवा करते हैं, पति को ठीक करते हैं, उसके बाद यूट्यूब में आते हैं। अगर बच्चे बीमार रहे तो हम बच्चे को ठीक करते, बच्चे को दवा पानी करते, दवाखाने लेके जाते, जब बच्चा बेटर होता तब हम आके सोशल मीडिया में जो है ना डॉलर कमाते। तेरी तरह नहीं, बच्चों के गांड में बम्बू घुसा हुआ है, अरे आपने आपको बताया मैं तो नहीं अभी हॉस्पिटल में आई हूँ, मेरी तबीयत खराब है, इतने सालों से तेरे जो है ना क्या बोलते बीमार नहीं, अरे अंगाल लगे, मैं तो बोलती हूँ तेरे को तेरे को अंगाल लगे, कीड़े पड़े तेरे चूत में मादर चोद, इसकी तमाशा देख के भाई मेरा दिमाग इतना खराब हो गया ना। एक लिमिट होता है तमाशा करने का, अपनी जिंदगी का तमाशा बनाने का, अपना सब कुछ का एक लिमिट होता है, अपने बात रखने का भी एक जो होता है ना सही वक्त होता है। ये तो जहाँ भी देखो कि शुरू हो जाते हैं, अरे इसीलिए तो तेरे को आज तक जो है ना एक मर्द नहीं मिला जिसको तू अपना कह सके। तू पैसे वाली बोलती ना, तू पैसे वाली होके भी तेरे को मिला तो दूसरे का उतरन बुढ़ा टुंडा, ठीक है, तेरे को पूरी जिंदगी तूने बिता ली, एक लीगल किसी की वाइफ नहीं बन पाई, कैसे बनेगी ऐसा धंधे वाली तमाशे वाली औरत से, कौन सा शरीफ मर्द शादी करेगा, कौन सा शरीफ मर्द ऐसी औरत से शादी करेगा। तो घर बसाने लायक ही नहीं है, तेरा बेटा घर का खाना खाना पसंद करता है, तू बाहर का खाना रोज खाते है, उसको खिलाने की कोशिश करती है, वो खा नहीं पाता तो बेचारा दही खा के कान का दर्द लग गया, उसको ठंडी लगी हुई है फिर भी वो सोता। तो अपने बच्चों को इतनी तकलीफ दे सकते, तो सोच तू अगर किसी की पत्नी बनती तो सास ससुर पति को तू कितनी तकलीफ देती, तो घर बसाने लायक वाली औरत ही नहीं है। और तुझे अगर लगता है ना कि ये सब करके तू हमारा मुंह बंद कर सकती है तो देख, दूसरों का तो पता नहीं लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तो एक अकाउंट बंद करवाएगी, दूसरा खोलूंगी, दूसरा बंद करेगी, तीसरा खोलूंगी, और मेरे को अगर पुलिस स्टेशन तक धकेलेगी ना, वहाँ का सब कुछ निपटा के आके तेरा नाम भी ना लिए, कानून के दायरे में ना आके कैसे वीडियो बनाना, ये तो हमको सबको पता है, जितने भी हम है यूट्यूबर हमको पता है, वो करूँगी लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तो बहुत घटिया औरत है। तूने ना इंस्टाग्राम बोल या फिर यूट्यूब बोल पूरा कचरा खाना बना के रख दिया है। भाई कोई अगर इस सिचुएशन में फंसा होता है तो वो एक वीडियो
डालता जरूर है कि भाई आप लोग जो सुन रहे हो वो सही है या गलत है, वट एवर तेरा जो ओपिनियन है, मैं इन सब चीज़ों में उलझी हूँ, मैं ये सब चीज़ पहले क्लियर कर लूँ, अपने बच्चों को पहले इन सब चीज़ों से निकाल लूँ, उसके बाद मैं आके आप लोगों को इत्मीनान से सारी चीज़ें जो है बताऊँगी। ये जहाँ भी जाती है भाषण शुरू, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरे सूरत वाले मेरे बच्चे साथ है, मेरे पति साथ है, कहाँ का लौरे का साथ है, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा, वीडियो में लेने से कोई भी साथ हो जाता है क्या? मैं सड़क पर निकल जाऊँगी, सड़क पर निकाल के बोलूँगी ये सड़क के जो भैया खड़े हैं ना वो भी मेरे साथ है, ये जो भाभी खड़ी है वो भी मेरे साथ है, इससे साथ थोड़ी हो जाता है। साथ वो होता है जो तुम्हारे कदम पे चले। तुम कोर्ट में जा रहे हो, तुम्हारे साथ कोर्ट में भाग रहे हैं, तुम पुलिस स्टेशन में जा रहे हो, तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन भाग रहे हैं, तुम जहन्नुम में जा रहे हो, तुम जहन्नुम में भी भाग रहे हैं, और तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो तो हॉस्पिटल में भी पहुंच जाए तुम्हारे बेड के सामने, रात रात भर बैठ रहे, उसको बोलते हैं साथ, किसी को भी कैमरा में लेने से या फिर किसी के साथ वीडियो बनाने से साथ नहीं बोलते हैं, इसको साथ नहीं बोलते हैं। ऐसा तो देखा जाए हर कोई साथ है। मैं साना भाभी इमरान भाई के साथ जाके खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लूँ या वीडियो में थोड़ा ले लूँ, वो भी वीडियो में करके हंस दे, मैं बोलूँ साना भाभी इमरान भाई भी साथ है, मानी आंटी से मिलने चले जाओ फैन फैन बोल के, फिर मेरे आंटी के साथ थोड़ा वीडियो एक रील बना लूँ या फिर वीडियो बना लूँ, उनके साथ फोटो लगा लूँ, बोलूँ साथ है। ओरिजिनल साथ ये नहीं होता है, ओरिजिनल साथ वो होता है जो मैं बीमार थी और मेरा पति ने मेरा साथ दे, उसको साथ बोलता है। ये जाके तो कैमरा के आगे बोल बच्चन करते ना, तुझे अगर लगता है ये सिंपति तेरे को मिल जाएगी, इससे सिंपति नहीं मिल रही, लेकिन पब्लिक का जो दिमाग है ना वो हीट और ज्यादा हो रहा है, इसके मेरे को आज हो रहा है। इतनी इतनी वाहियात गिरी हुई धंधे वाली है ना तू, तुझे जो तेरे जो है ना एरिया के लोग आके हमको डीएम करते, कर बाजी ये तो ऐसी है, आयशा ये तो वैसी है, आपा ये तो वैसी है, वो सही बोलते हैं, अब बोलती हूँ वो सही बोलते हैं, क्योंकि जो माँ उसके बेटे बम्बू के बीच में फंसा हुआ है उसको निकालने के बजाय अपना मुंह जो है ना वो चलाया जा रही है और खुद को सही साबित करने की कोशिश, अरे साबित करना है ना तेरे को, तो जहाँ पे तू जा रही है ना या फिर जहाँ पे तू गई है और अभी कोर्ट में बात जाएगी, वहाँ पर तू खुद को सही साबित कर, सोशल मीडिया में तू बाद में साबित करना, ठीक है? पहले इन सब चीज़ों से तो निकल। पुलिस पीछे पड़ी हुई है, जहाँ भी देखेगी इसको इसके बेटे को पकड़ेगी, जगह जगह भाग रही, कभी मुंबई में तो कभी सूरत में तो कभी दमन में, देन अगेन मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई बोली पहले, महाराष्ट्र में फिर सूरत में फिर दमन में, हर जगह लोकेशन चेंज कर रही, बार बार फ़ोन स्विच ऑफ करके रख रही है, फिर बोलते मैं तो वैकेशन मनाने जा रही, तेरी माँ की चूत भरविस सारी भोसरी वाली तो वैकेशन मनाने जा रही है, तो वैकेशन मनाने जा रही है, ये क्यों नहीं बोलते? अरे सच को एक्सेप्ट कर, सच की जो होता है ना, मैं क्या बोलूँ, सच्चाई की मूर्त, जो सच्चाई की मूर्त बनती है ना, अरे सच तो बोल के, हाँ भाई मेरे ऊपर केस हुआ है, मेरे को और मेरे बेटे को पुलिस जहाँ भी देखेगी पकड़ेगी। आप लोगों को पता है फेक केस हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, प्रोटोकॉल होता है पुलिस का कि हमको पकड़ना है, तो इसलिए हम दो तीन दिन के लिए जो है ना हम हाइड हो जा रहे। अरे बोलना, इतना दम रखते हैं ना, किसी के बाप से नहीं डरती है, तो तेरे में तो दम है नहीं, वो तो मुझे पता है। तो भाई अगर इतना दम तो रखती है ना कि वो किसी के बाप से नहीं डरती, तो अगर तू सही होती ना तो तू जो है ना पुलिस स्टेशन में जाके खड़ी होकर बोलती कि मैं आ गई हूँ, आप लोग के क्या जो होती है ना क्वेरी से आप मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ, जो भी आपका प्रोटोकॉल है वो फॉलो करो, ठीक है? तो चोर नहीं है तभी तो भागी है, करनी तो डर नहीं, लेकिन तेरे दिन में चोर है क्योंकि तुम लोगों ने करा है, तभी तो तू भागी है। भाई कोई अगर मेरे को बोल रहा है कि आयशा तूने ये किया, मेरे को फ़ोन करके बोला तू आ मेरे घर में, तो भाई मैंने अगर कुछ किया नहीं तो मैं तो जाऊँगी ना कि बता भाई क्या हुआ, तूने मुझे फ़ोन किया था कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो मैं उसको इतना से समझाऊँगी ना कि भाई मैंने किया ही नहीं है। हाँ मेरे दिन में अगर चोर होगा तो मैं बोलूँगी हाँ ठीक है आऊँगी, बोल के मैं गायब हो जाऊँगी, फरार। तो फरार मतलब क्या, वांटेड मतलब क्या है कि तू जो है ना तू चोर आ रही है, तो तू बहाना भी कर रही है ना सिंपति के लिए, तो 100 में से 10 लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे शायद, बाकी 90 लोग तेरे खिलाफ है और तेरे खिलाफ ही रहेंगे। और अगर तेरे को भरोसा ना हो तो हम जितने भी तेरे अगेंस्ट बनाते हैं ना हमारे कमेंट सेक्शन देख लेना, तो लगाते हैं ना, हमको लगाने की ज़रूरत है, हम किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, जिसका जो है कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में पड़ा है तो वो पड़ा है, जो वीडियो ओपन करेगा तो दिखाई देगा, लेकिन हम तू जो ये दिखा रही है ना कि सब लोग मेरे साथ है, कितने लोग तेरे साथ है ना वो हम सबको भी बताए, तेरे कमेंट बॉक्स में 80% अगर तेरे बारे में गालियाँ होती तो 80% लोग तेरे को गाली देते हैं, 20% लोग ही जो होते हैं तेरे को अच्छा बोलते, उसमें से 20% में से भी 10% वो तेरा दल्ला है ना बायला, उसके फेक आईडीज होते हैं। तो ये जो तू गेम खेल रही है ना, गेम जाके ना कोर्ट में खेल, वहाँ पे तेरे को फायदा मिलेगा, सोशल मीडिया में नहीं मिलने वाला, क्योंकि तू वही औरत है झुमना में जाके रील बनाती है, तो वही औरत है जो कभी अपने पति को पैर दिखाती है तो कभी सारा भाभी को पैर दिखाती है, तो वही औरत है जो अपने पति के, जिसको तू बच्चे बच्चे बोल रही थी ना, कोई भी माँ
आज अगर मेरा पति भी शादी कर ले ना, उसके दूसरी बीवी से बच्चा हो ना, तो मैं दूसरी बीवी से लड़ सकती हूँ, लेकिन उन बच्चों को मैं गाली नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और उसके बच्चे भी किसी के बच्चे हैं, उसके बच्चे भी किसी के बच्चे, किसी के तो छोड़ वो मेरे पति के बच्चे, और वो बच्चे हैं। कोई भी माँ किसी के बच्चे को गाली नहीं देगी, जैसे तूने दिया है, कचरा बोला, लालची बोला, पता नहीं क्या क्या बोला, ठीक है। और जो तू वही औरत है जो मरियम आंटी को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रही, बहुत तो अभी सती सावित्री बन रही है, अबे डालना बेहतर गालियों की वीडियो जिसमें तूने जो है व्यूअर्स को, व्यूअर्स के भी सपोर्ट चाहिए ना, तो व्यूअर्स को तूने, इसी व्यूअर्स को तूने मादरचोद बोला, चूतिया बोला, वो वीडियो तो डाल हमारे चैनल में, तो पर वो वीडियो तो डाल, तो हमको जेल डाली गाली डालना, जेल डाल, तेरी तरह हम अकेले थोड़ी है, तेरे तरह जो है ना हम बिना पति के नहीं है, हमारा पति हमारा साथ है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन साथ है और साथ मिलकर लड़ेंगे, एक दूसरे का सुख दुख हम बांटते हैं, तेरी तरह नहीं पूरी साल तो हैंडसम हस्बैंड हस्बैंड को गुजार देते, फिर जैसे ही वक्त आया, मुसीबत आई, हैंडसम हस्बैंड फुर, ऐसे हम भारी का पति नहीं रखते, खुद के पति रखते, और हमारे बच्चों के ऊपर कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस लेवल तक जाती नहीं, हमको पता है हम गरीब है, हमको पता है हम गरीब है, तो हम किसी को उतना उंगली क्यों करें भाई कि हम झेल ही ना सके। वो सनम अभी एक कहावत के बोलती है कि करो इतना जितना ले सकते हो, तो तुझे भी उतना ही करना था जितना ले सकता है, और अपनी माँ की अगर उसको सुरक्षा ही करना होता था ना, तो एक वीडियो वो बनाता जिसमें बोलता कि ठीक है आप लोग गलत, मेरी माँ सही, आप लोग सही, मेरी माँ गलत, आज से मेरी माँ वीडियो नहीं बनाएगी, काइंडली कोई भी मेरी माँ के बारे में गलत ना बोले, मैंने अपनी माँ को वीडियो बनाने से मना कर दिया। अरे सच बोलना, अरे सच बोलने में किस बात की डर, किसके बाप से डर होना सच होने से, तेरा बेटा अगर इज्जतदार होता ना वो बायला, तो वो खुद सोशल मीडिया में नहीं आता, तेरे को सोशल मीडिया से हटा देता, कि कोई जरूरत नहीं व्लॉग व्लॉग अपलोड करने की, और अगर तुमको रहना है सोशल मीडिया में तो किसी को पिन मारने की जरूरत नहीं, अपने अपने में रहो, कौन क्या बोल रहा है हमको देखने की जरूरत नहीं, तुम अगर सही हो तो तुम्हारा रंग सोशल मीडिया में अपने आप दिख जाएगा। अल्लाह बोलती है ना, वो अल्लाह के घर से उमरा करके आई थी ना, क्या कर लिया उमरा करके, अरे पांच वक्त का तो छोड़, एक वक्त की नमाज भी नहीं है तू, उल्टा नाखून लगा के तो घूमते, बोलते नाखून की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे हाथ में नाखून है, तुझे नाखून तेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन नमाज तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज वही औरत अल्लाह का नाम लेके जो है ना सिंपथी गेन कर, अरे दोगली हम जो है ना व्यूअर्स लोग जो है ना हमारे तो छोड़, बाकी जितने भी व्यूअर्स है ना वो चूतिया नहीं है, वो पहले के ज़माने में टिकटॉक के टाइम में चूतिया बना ली थी तूने, लेकिन अभी तेरे असली रंग जो है ना वो सबको मालूम है, ये जो तमाशा तो कर रही है ना उससे कुछ घंटों होने नहीं वाला, हम तो मुँह बंद नहीं करेंगे, हम मुँह बंद नहीं करेंगे, एक चैनल बंद करेंगे दूसरे चैनल से आएंगे, एक बार पुलिस स्टेशन तक किसे घसीटेगी उसके बाद तो और ज़ोरों शोरों से आएंगे और ज़िद के साथ आएंगे, क्योंकि तुझ जैसे डंडियों से अगर हम लड़ने लग जाए ना, तुझ जैसे आदमियों के रखलों से अगर हम डर जाए ना, जो किसी की निके वाले हम औरत है लीगली भी, मुस्लिम तरीके से भी और कोर्ट के तरीके से भी लीगली, समझ रही, तो फिर क्या ही बात है, हमारे तो साथ में हमारा पति है, हमारे साथ तो हमारे पति है, और हमारे बच्चों पर ऐसी बात तो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोगों के गांव में इतनी ऐसी उंगली करते ही नहीं है ना, मादर चोद तमाशाखोर औरत इस केस को अपने बच्चे जो खुद के बच्चे जो फंसी है, खुद के बच्चे को भी इस्तेमाल कर रही है सिंपैथी के लिए, खुद के बच्चों के ऊपर जो ये परेशानी आई है उसको भी इस्तेमाल कर रही है सिंपैथी के लिए, कभी बच्चों के अंदर जाके देखी कि अगर तू सही माँ होती ना तो वीडियो ना बनाते, अपने बच्चों को कैसे निकालना है ना उसकी कोशिश करते, चुप्पे चाह आई बस समझ में, तो ये जो है ना ढंग करना बंद कर, चल निकल, ये ढंग मत कर, ये नाटक मत कर, क्योंकि तेरे नाटक जो है ना वो बंद हो चुकी है, तेरा नाटक का दुकान, आप किसी को तेरे ऊपर तरस नहीं आने वाला था, मुझे परसों आया था जब तूने डॉक्टर का जो वीडियो जो है ना डाला था तूने, स्टार्टिंग में जब देख रही थी तब आ रहा था, फिर बच्चों की जब आवाज़ सुनने लगी मैं और कुकर की सीटी की आवाज़ सुनने लगी, मैंने बोला अरे ये तो फिर से नाटक करती, बिना मेकअप के तो लगती है ऐसी है, बिना मेकअप के तो ये लगते से बस मेकअप थोप के जो है ना वो दिखने की दुकान बन जाती है, तो उसको लगा थोड़ा मेकअप वेकअप हटा के आके थोड़ा ज्वेलरी वेलरी खोल के आके वीडियो बनाऊंगी तो लोग सिंपैथी हासिल करेंगे, फिर तू चूतिया होगी रही, हर कोई चूतिया था, तो चूतिया करके तो ये सब तमाशा तो कर रही है, नहीं तो तू अगर सही होती ना तो लोगों के गांड में उंगली भी नहीं करती, और अपने बेटों को भी नहीं बोलते अपने दुकान चलाने के लिए लोगों के गांड में उंगली करो, और फिर तुम लोग के गांड में बम भी ना घुसता, ऐसा समझ में। और रही बात सिंगल मदर की, देख तू तो सिंगल है नहीं, तू डबल ट्रिपल क्वाड्रिपल न जाने कितने तेरे मर्द है, ये तो सबको पता है। और रही बात बेटी के साथ सुलाने की, तो देख बेटी के साथ सुलाने की बात है तो पहले जाके अपने पति पे केस कर, क्योंकि ये बात जो है ना तेरे पति ने ही बोला था, तेरे पति ने वो फोटो जो है ना सबों को भेजा था, और तेरे पति ने ये बात बोला था हमको कि 15 दिसंबर की रात को तुझे और तेरे बेटे को जो है बिस्तर में गंदे काम करते उसको पाया गया था, ठीक है। तो तुझे अगर सिंपैथी लेना इस बात है तो पहले जाके अपने बुड्ढे को पकड़, क्योंकि बुड्ढे की बाकायदा रिकॉर्डिंग में हमने चलाई थी ये बात बोलने के ऊपर, जाके अपने पति को पहले पकड़, फिर जाके दूसरों को बोलना, क्योंकि तुम्हारे घर का जो विभीषण है वो तो तुम्हारा पति है, और पति पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है भाई, लेकिन तुम लोगों का झगड़ा जो है ना वो पहली बार देखा है, अभी की रिसेंटली की बात है, हाजी भाईजान और रिजवाना के बीच में भी झगड़ा हुआ था, अभी भी चल रहा है उनका जो है फैमिली डिस्प्यूट, वो भी अलग रह रहे, लेकिन इतना गंदा तो नहीं बोला था हाजी भाईजान ने।
ये तो मैं मानूंगी कि हाँ उसने अपनी बीवी को गलत बोला है, गुस्से में हर कोई बोलता है, लेकिन इतना गलत अपनी पत्नी के लिए नहीं बोला, क्योंकि रिजवाना तेरी तरह नहीं है ना, और कोई भी मर्द, हमारे भी मर्द है, हमारे भी झगड़ा होता है, लेकिन इतना गंदा कोई नहीं बोल सकता क्योंकि तू गलत है और तू गंदी है, इसीलिए तेरे से जो भी मिलता है ना उसके मुँह से तेरे लिए गंदा ही निकलता है। और ये जो नाटक तू कर रही है ना अभी एकदम बेचारी बन के, आप लोग को तो पता ही है मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। हाँ मुजरा करते टाइम तबीयत ख़राब नहीं हुई, मुझे करते टाइम तबीयत ख़राब नहीं होती, उछल उछल कर कूद के जो नाचते उसमें तबीयत ख़राब नहीं होती, दारू पीते टाइम हुक्का पीते टाइम तब तबीयत ख़राब नहीं होती, रजनीगंधा रेडबुल खाते टाइम मोगो मोगो पीते टाइम तब तबीयत क्या क्या होता है, और बाहर का पूरा हफ्ता खाने में तो बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं होती। जैसे ही पुलिस पीछे आया, बहाना तो मानना है, सोशल मीडिया में सिंपैथी तो लेना है, तो इससे बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है, मेरी ना तबीयत खराब होगी, मेरे बच्चे लेके आए, मैं आऊँगी मुंबई, मंडे आने के बाद आऊँगी, नहीं तो पुलिस देखेगी तो पकड़ लेगी, मेरी तबीयत खराब है, मैं मंडे तक जो है हॉस्पिटल में रहूँगी, जैसे ही मंडे होगा मैं जाके हाजिर रहूँगा। अब ढोंगी तेरा ये ढोंग जाके कहीं और को दिखा, सबको पता है क्रिमिनल लोग यही करते हैं, और तूने अपने लॉयर की बात सुन के जो है ना ये वीडियो रिलीज किया। ढोंगी हर कोई जो जेल में भी होता है ना, वो भी जेल की सज़ा को कम करने के लिए अपना बीमारी बताता है, जेल में ना जाने के लिए अपना बीमारी बताते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग करते हैं, जैसे उनके अरेस्ट होने का टाइम आ गया ये बीमार हो गए, इनका हार्ट अटैक हो गया, इनका बीपी बढ़ गया, उनका शुगर बढ़ गया, यही सब करता है। ये ट्रिक जो है ना पुराना है और ये एजुकेटेड लोग समझते हैं, तो अनपढ़ है ना, तो मुझे लगता है सब भी अनपढ़ है। तो चलिए तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह के घर तक माफियाँ कि मैंने जो है वीडियो में गाली गलौज दी, बट बींग ए मदर, एक माँ होने के नाते मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जो वो अभी कर रही है। ठीक है, अगर मैं होती, मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, मैं होती तो अगर मेरे साथ ऐसा कोई करता, ठीक है, पहली बात तो सच बोलूँ या झूठ बोलूँ, पब्लिक को गुमराह करूँ, ये अलग मैटर है, पहले अपने बच्चों को बचाती, मैं अपनी इब्बू को और गुनू को बचाती, दोनों को बचाने के बाद आके मैं बैठ के इत्मीनान से वीडियो बनाती, रिलीज़ करती, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ आप लोगों को बताते। बाकी इसके कारनामे तो पूरे सोशल मीडिया में फैला हुआ, उसके चैनल में फैला हुआ है, इसने मेरा नंबर वायरल किया, इसने हिनायत आपा का नंबर वायरल किया, इसने सनम हम इमरान भाई के बच्चों के बारे में गलत बोला, मरियम आंटी के बच्चों के बारे में गलत बोला, रिहान आंटी के बच्चों के बारे में गलत बोला, इनफैक्ट रिहाना आंटी के दामाद को भर गया, तो कौन कौन सी माइयस भाई बर्दाश्त करेगा। मेरे बच्चे के बारे में कोई कुछ बोले, मैं बोल रही हूँ ना समूह से मैं लड़ती नहीं, लेकिन जिस दिन उसने बोला कि मुझे नहीं, वो उसने वीडियो में बोला, और वो जो पाकिस्तानी वाले उससे बुलवाया कि मेरी बेटी मेरे शौहर का नहीं किसी और का है, और उसका बाप कोई बंगाली है, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि अब तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे बच्चों तक अगर कोई बात आती है, मैं क्या कोई भी माँ, लेकिन ये पहली माँ देख रही हूँ जिसको बच्चों से ज़्यादा डॉलर की पड़ी है, सोशल मीडिया में सिंपैथी की पड़ी है, पहली माँ मैंने देखा। अरे सिंपैथी तो मिल जाएगी अगर सही हुई ना, मैं तो मेरे को बोल के सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं, बोलते हैं ना कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, ठीक है, या वॉइस जो भी होता है तो वही होता है, हम अगर सही होते हैं तो पब्लिक को दिख जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद जो ये तबाशा करी से समझ में आ रहा है कि उसको अपने बच्चों की कितनी फिक्र है, इमेज की कितनी फिक्र है, और ये जो है ना इसकी मेंटल जो एबिलिटी है, या फिर क्या बोलूँगी इसको, स्टेट ऑफ माइंड उसका कैसा है। तो एनीवेज मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने मेरी गाली सुनी, बट एक हद होती है, आपके पास शायद जरिया नहीं है कमेंट के अलावा वीडियो बना के बोलने का, बट मुझे अगर देख रहे हैं 1000 लोग भी दिन में कम से कम अलहमदिल्ला से माशाल्लाह से देख रहे हैं, देन वाई नॉट, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों ना रखूं, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर सकता है, सबके अलग अलग वे ऑफ थिंकिंग होती है, सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होती है चीज़ों को देखने का, बट आई डोंट माइंड। और जो लोग उसके होंगे एक दो कुत्ते भोंकने के लिए अगर आते हैं कमेंट करने के लिए, मोस्ट वेलकम, बट दोबारा कमेंट करने का जगह मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम जैसे ना वो नाली के कीड़े जो होते हैं ना, तुम लोग जैसे घटिया लोगों को पसंद करते हो क्योंकि तुम लोग ऐसे घटिया होते हो, तो तुम लोगों का व्यूज मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं भी बहुत कमीनी चीज़ हूँ, तुम लोग का व्यू तो मुझे भी लगा, लेकिन कमेंट ना मुझ तक आएगा ना किसी और तक वो कमेंट शो ही होगा, क्योंकि हाइड कर दूंगा अपने चैनल से। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो अगर जिन जिन लोगों को पसंद आए वो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो मत लाइक करो, डिसलाइक करके चल जाओ, एंड अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, कमेंट करके अपना जो राय है वो ज़रूर बताना, एंड बॉयकॉट सारा सत्तानी, अब तो ये हैशटैग सब लगाओ, जो भी मेरे जो बहनें हैं पर्सनली तो मैं सबको बोलूँगी, साथ साथ जो है ना जो लोग जो क्रिएटर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, भाई ये हैशटैग तो ट्रेंडिंग में आना चाहिए, सारा सत्तानी का कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में आए या ना आए, बॉयकॉट सारा सत्तानी ट्रेंडिंग में आना चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।